स्वागत है आपका माइंड मेकर गुरुजी में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। बात करेंगे फास्ट मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसे आपका ये पैटर्न दिया हुआ है 4 times 9 into ये नंबर, और ये कितना मल्टीप्लाई करने पर आएगा, और 3 times 1 into दिस नंबर मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या रिजल्ट आएगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से हम बताने जा रहे हैं। तो जैसे अगर 9 का जो पैटर्न अगर आएगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला मैंने क्वेश्चन ले लिया, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 26 into 99, ये 2 times 9 है, 99 into 26। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए, दो डिजिट की ये नंबर हैं, दो डिजिट के आपके ये नंबर हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपके 26 दिए हैं, इससे आपको एक माइनस करके लिखना है, 26 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, ये घटा कर लिखना है। तो ये आपके आगे 25 आ गए, 26 में से 1 को माइनस कर दिया। अब ये करना है कि आपको 99 में से 25 को माइनस करना है। ये आपकी 25 को माइनस करेंगे 99 में से, तो 9 में से 4 चला जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। आपका मल्टीप्लाई करने पे 26 into 99, 2574 आ जाएगा, 2574, 2574 आ जाएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के पैटर्न, इसी पैटर्न में जैसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, यही नंबर ले लेते हैं, 2376 into 4 times 9, यहाँ पे 4 times 9 हो गया, ठीक है। तो हमको एक माइनस करके इसमें से लिखना है, तो मैं माइनस करके अगर लिखेंगे तो 2375 हो जाएगा, 6 में से 1 चला जाएगा, 76 की जगह 75 हो जाएगा। और ये 4 times 9 है, इसमें से ये नंबर को आप माइनस कर दीजिए, तो आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा, ये आ गया आपका 7624, 7624, ये 6, ये हाँ ठीक है, 7624 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा ये नंबर का मल्टीप्लाई करने पे। आइए और बड़ा नंबर देख लेते हैं। अगर सपोज कीजिए ये दिया है 7325 times 9 अगर दिया है, तो ये पैटर्न तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये 3 times दिया है और ये आपका 5 times दिया है। मैंने अभी तक जो भी किया, ये 2 times दिया था, 2 digit था, और ये 4 digit था, ये भी 4 digit था, बट यहाँ पे आपका ये 3 digit है, ये 5 digit है, तो इसको भी हम लोग 5 digit में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए अलग से आगे, ये भी 5 digit हो गया, और -1 करके आप लिख दीजिए, 7 हो गया, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, 3 1। अब आप माइनस कर दीजिए ये नंबर को, इसमें से माइनस कर दीजिए। आप माइनस करेंगे तो आपका पहले तो 0 है, तो 9 9 आ जाएगा, 2 6 8 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर ये आ जाएगा। इस पैटर्न टाइप के पैटर्न पूछे जाएंगे तो आप ये मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड से 2 से 3 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी ये पैटर्न की, कि अगर हम लोगों को ये पैटर्न दिया रहे, 1 से मल्टीप्लाई करना रहे, तो कैसे करेंगे, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपका मैं छोटा एग्जांपल ही ले लेता हूँ, 236, 236 और 111 ये दिया हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 6 जो है, ये 6 को यहाँ लिखना है, फिर क्या करना है, 6 ये नंबर पहले लास्ट डिजिट लिखना है, फिर इसको प्लस करके लिखना है, तो 6 में 3 को प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, फिर इन तीनों को ऐड करके लिखना है, तो 9 और 2 11 आ जाएगा, 11 का कैरी 1 आएगा, 11 का 1 ये हो जाएगा आपका कैरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको छोड़ देना है, लास्ट डिजिट को छोड़ देना है, अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 3 और 2 को प्लस करेंगे 5 आएगा, कैरी 1 6, तो यहाँ पर यह 6 हो गया। अब लास्ट इसको छोड़ देना है इस डिजिट को, तो अब आ गया आपका 2, तो ये आ गया 2, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आंसर आएगा इसका। आइए एक और देख लेते हैं इसी टाइप का छोटा एग्जांपल, ये 758 into 111 देख लेते हैं, 758 into 3 times 1 है, 111 है और 758 है,
तो सबसे पहले लास्ट वाले नंबर को लिखना है, मैंने 8 लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 का 3 हासिल जो है कैरी 1, यहाँ पे 1 लिख लिया। अब तीनों को ऐड करना है, 13 और 7 हो गया 20, 20 और 1 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब कैरी 2 चला जाएगा। अब इस लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो 7 और 5 आपका आ गया 12 आ गया, 12 और 2 14, कैरी 1, कैरी 1 और 7 8, 84138 इसका जो आंसर आएगा आपका 84138। करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप लगाएंगे तो लग ही जाएगा ही। थर्ड देख लेते हैं, इसी के थोड़ा सा बड़ा डिजिट देख लेते हैं, जैसे आपका सपोज की छोटा देख लेते हैं, 52 दिया है और ये 111 दिया है। अब यहाँ पे देख रहे थे हम लोगों का कि ये भी 3 डिजिट था, ये भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, बट यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो करना इसको भी इक्वल कर लेना है आपको। तो यहाँ पे एक 0 आप इंक्लूड कर दीजिए अपने से, बढ़ा दीजिए इसको, तो बढ़ा दिया। अब करना है वही, पीछे से एक डिजिट लेना है, वो लिखना है, 2 लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखना है, तो 5 और 2 7 हो गया, फिर तीनों को ऐड करके लिखना है, फिर 7 हो गया, फिर इसको छोड़ देना है, फिर 5 को लिखना है, तो फिर 5 को आप लिखेंगे, 5 हो गया, फिर इसको छोड़ देना है, ये लास्ट जो बचेगा उसको लिखना है, 0 हो गया। तो ये जो आ गया आपका आंसर 5772, 5772 आ गया इसका आंसर। आइए और देख लेते हैं हम एग्जांपल, इसका चौथा देख लेते हैं, जैसे आपका थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, 68115 × 111, यहाँ पे ये जो है 5 अंकों का है, बट यहाँ पे ये 3 अंकों का है, नंबर में बड़ा अंक ले लिया, 68115 × 111, यहाँ पे ये 5 अंकों का नंबर है, बट यहाँ पे ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 अंकों का नंबर है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट वाला 5 को लिख लिया, 5 को लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख लिया, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 6 आ गया, फिर इन तीनों को ऐड करके लिख लिया, इन तीनों को ऐड किया तो 7 आ गया। अब इसको छोड़ देना है, इन तीनों को देखना है, 112 2 और 8 10, 10 के 0 कैरी 1, अब इसको छोड़ देना है, इन तीनों को देखना है, तो ये 8 हो गया, ये 1 हो गया 9, ये 1 हो गया 10 हो गया, ये 6 हो गया 16, 16 का 6 कैरी 1, इसको छोड़ देना, अब इन दोनों को देखना है, तो 6 और 8 आपका हो गया 14, 14 और 1 5 15, 5 हो गया यहाँ पे कैरी 1, ये 6 है 1 7 हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर 7560765। ये आप देख रहे हैं रिपीट भी ऐसा कुछ, मतलब नंबर हो रहा है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ऐसा कुछ भी पैटर्न बन रहा है यहाँ पे सॉल्व करने पे। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर, इसमें 1 3 2 7 8 2 × 111, इसको क्या करना है। अब तो मैंने बताया कि लास्ट नंबर को पहले लिखना है, तो लास्ट नंबर को लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखना है, ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 1, ऐड किया आपने, कैरी 1 हो गया, फिर इन तीनों को ऐड करके लिखना है, ये 18 हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, कैरी विद कैरी के साथ, यहाँ पे फिर 1 कैरी ऐड गया, इसको छोड़ देना है, इन तीनों को अब देखना है, तो ये आपका 10 हो गया, 10 और 7 17 17 और 1 18 18, फिर कैरी 1 आ गया, अब इसको भी छोड़ देना है, इन तीनों को देखना है, तो 7 और 3 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, 12 और 1 13, तो 3 हो गया, कैरी 1 हो गया, अब इसको भी छोड़ देना है, इन तीनों को देखना है, तो आपका 3 और 2 हो गया 5 5 और 6 6 और 7, तो ये आपका आ गया 7 7 आ गया, अब इसको भी छोड़ देना है आपको, 3 और 1 4 आ गया, ये 4 हो गया, अब लास्ट जो नंबर बचा ये 1, तो इसको आप मल्टी अगर अप्लाई करके देखेंगे तो आपका ये नंबर आएगा 147388 02। थैंक यू।